फ्रेंड्स, चेस्ट के बढ़े हुए फैट को आप किस तरह से तेजी से कम करके अपनी चेस्ट को एक अच्छा शेप दे सकते हैं, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। और इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी चेस्ट के मेन तीन पार्ट होते हैं, जो कि हैं अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट। और जब आपकी चेस्ट के इन तीन मसल पार्ट्स के ऊपर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ता जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी चेस्ट पर फैट ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आपकी चेस्ट का साइज बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। और ऐसे में जब आप कोई कपड़ा पहनते हो तो उसमें भी आपकी चेस्ट का साइज काफी बुरा दिखाई देता है, जिस वजह से अक्सर लोग काफी बुरा महसूस करने लगते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का बेहतरीन सॉल्यूशन हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन में हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप एक महीने भी फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट का फैट काफी कम हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम फिटनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो टिप नंबर एक पर आपको एक्सरसाइजेज हम बताएंगे जो आपको परफॉर्म करनी है। और एक्सरसाइज में आपको पहली एक्सरसाइज डिक्लाइन प्लैंक को परफॉर्म करना है। इसे करने के लिए आपको अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रखकर और अपने हाथों को जमीन पर इस तरह से रखकर अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखना है। और फिर इस पोजीशन में ही आपको एक मिनट तक रुकना है, और अगर आप ज्यादा देर तक रुक सकें तो ज्यादा देर तक आपको रुकना है। फ्रेंड्स, इस पोजीशन में रहने पर आपकी चेस्ट पर काफी प्रेशर आता है और आपकी चेस्ट में हीट जनरेट होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट का फैट मेल्ट होता है और आपकी चेस्ट को एक अच्छा शेप मिलता है। तो एक मिनट या उससे ज्यादा का एक सेट पूरा करने के बाद अगर आप चाहें तो एक और सेट इसका ले सकते हैं। इसके बाद नंबर दो पर आपको 1 मिनट पुशअप को परफॉर्म करना है। इसमें आपको पुशअप वाली पोजीशन में आना होता है और फिर 1 मिनट में एक ही रेपिटेशन आपको पुशअप का पूरा करना होता है, यानी 30 सेकंड में आपको हल्के हल्के नीचे जाना होता है और 30 सेकंड का ही टाइम लगाकर आपको ऊपर आना होता है, यानी कि आपको बहुत ही हल्के हल्के नीचे जाना होगा और बहुत ही हल्के हल्के ऊपर आना होगा, जिससे कि 1 मिनट में सिर्फ एक ही रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज का कर पाएं। तो इस तरह से 1 मिनट में एक रेपिटेशन वाला एक सेट आपको पूरा करना है और आप इसके टोटल 2 सेट ले सकते हैं। इस तरह से 1 मिनट में एक ही रेपिटेशन करने पर आपकी चेस्ट मसल्स पर प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिससे कि तेजी से आपकी चेस्ट का फैट कम होता है। एक्सरसाइज नंबर 3 है रोप जंपिंग। देखिए, वैसे तो रस्सी कूदने के काफी सारे फायदे आपको मिलते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के ओवरऑल फैट को काफी तेजी से कम करती है। और अगर आपकी पूरी बॉडी का फैट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी चेस्ट का फैट भी कम होगा। तो ज्यादा देर नहीं, हर दिन 5 से 10 मिनट रस्सी आपको जरूर कूदनी है। एक्सरसाइज नंबर 4 डिक्लाइन पुशअप आपको परफॉर्म करनी है। तो जिस तरह से आपने डिक्लाइन प्लैंक को किया था, उसी तरीके से आपको डिक्लाइन पुशअप्स को करने के लिए इस पोजीशन में आना है और अपने हाथों को जमीन पर रखकर और अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट करके जिस तरीके से पुशअप्स लगाते हैं उसी तरीके से आपको इन्हें लगाना है। और फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन के साथ लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 है इंक्लाइन पुशअप्स। देखिए, इंक्लाइन पुशअप्स को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को किसी भी बेंच के ऊपर या फिर किसी ऊंची जगह पर रखकर अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और जिस तरीके से पुशअप्स लगाते हैं उसी तरीके से आपको इन्हें लगाना है। इन्हें लगाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस पुशअप्स को आपको तेजी से लगाना है, क्योंकि जब आप पुशअप्स लगाते हो तब आपके चेस्ट मसल्स में एक हीट जनरेट होती है, जो कि आपके फैट को काफी तेजी से कम करती है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी 5 एक्सरसाइजेज जो आपको परफॉर्म करनी है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, और इसमें आपको ये करना है कि आपको अपनी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है और अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपकी बॉडी अपने आप ही एक अच्छे शेप में आने लग जाएगी और आपकी बॉडी का जो फैट है, यानी एक्स्ट्रा फैट है, उसे आपकी बॉडी काफी तेजी से कम करने लग जाएगी। आपने काफी सारे बॉडी बिल्डर्स को भी देखा होगा जिनकी बॉडी में फैट परसेंटेज काफी कम होता है। उसकी वजह यही होती है कि उनकी बॉडी में काफी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है और इसी हार्मोन की वजह से उनकी बॉडी को लंबा और चौड़ा लुक मिलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को आपकी बॉडी में बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है रनिंग। देखिए, रनिंग करने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो इसीलिए आपको रोजाना कम से कम 1 से 5 किलोमीटर की रनिंग तो करनी ही चाहिए। इससे आपकी बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो तेजी से कम होगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपकी बॉडी में बढ़ेगा। और इसके अलावा भी रनिंग के बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 हमारी होगी डाइट के ऊपर। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी तरह के बदलाव होते हैं वो 70% डाइट पर ही डिपेंड होते हैं, यानी कि हम लोग क्या खा पी रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का शेप कैसा होगा।
तो इसीलिए अब हम आपको कुछ चीजों के नाम बताएंगे जिन्हें आपको खाना है और कुछ ऐसी चीजों के नाम बताएंगे जिन्हें आपको नहीं खाना है, क्योंकि परहेज करना भी आपकी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले ज्यादा ऑयली फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। दूसरा, आपको खानों में नमक कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स नमक में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो आपके फैट को बॉडी में स्टोर करके रखती है। तीसरी चीज, शुगर यानी चीनी आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। खासतौर से अगर आप अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को घटाना चाहते हैं तो शुगर आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शुगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाती है और इसके बढ़ने से आपको भूख ज्यादा लगने लगती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद एक गिलास नींबू पानी पीना है, यानी एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर आपको पीना है। नींबू पानी आपकी बॉडी के फैट को काफी तेजी से कम करता है। दूसरी चीज, आपको 100 ग्राम दही में एक चम्मच जीरा पाउडर मिलाना है और इसको आपको खाना है। ये चीज भी आपके फैट को काफी तेजी से कम करने में मदद करती है। तीसरी चीज है हरी सब्जियां और सलाद, क्योंकि हरी सब्जियों में और सलाद में फाइबर काफी मात्रा में होता है और जिससे फैट काफी तेजी से कम होता है। तो हरी सब्जियां और सलाद आपकी बॉडी के लिए खाना बहुत अच्छा होता है। चौथी चीज जो आपको खानी है वो है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स भी आपको ज्यादा खाने चाहिए। इसके बाद पांचवी जो चीज है जो आपको खानी है वो है घर का बना हुआ खाना, यानी आपको बाहर के खाने को जितना हो सके अवॉइड करना है और घर का बना हुआ ताजा और सादा खाना आपको खाना है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जरूरी टिप्स जिन्हें अगर आप कुछ टाइम भी फॉलो अच्छे से कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप आसानी से अपनी चेस्ट के बढ़े हुए फैट को कम कर सकते हैं और अपनी चेस्ट को एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। तो इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करना और इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।